लेकिन आपको हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि ये लोग एक झूठी रवायत बहुत बड़ी शान से बयान करते हैं, बड़ी शान जिसका कोई सर पर नहीं है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मदीना के रास्ते से जाते थे, तो एक बुढ़िया थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकती थी। तो वो रोज अल्लाह के नबी सरसन वहां से गुजरती थे और वो जमा करके रखती थी, जैसे देखती कि अल्लाह के रसन आ रहे हैं, वो बुढ़िया पूरा कूड़ा करकट जो जमा की है अल्लाह के नबी सरसन के ऊपर फेंक देती थी। एक दिन कूड़ा करकट बुढ़िया ने नहीं फेंका, तो अल्लाह के नबी सरसन उसके घर में पहुंच गए, तो पता चला वो बीमार है, तकलीफ में है। फिर अल्लाह के रसन ने उसकी मदद की। फिर ये पूरा वाकया बयान करते हैं। मेरे भाई, ये झूठी रवायत है, ये बनी बनी रवायत है। ये लोग साये के बारे में क्या कहते हैं, साया नहीं था ताकि कोई कुचल ना सके, और दूसरी तरफ आप ये झूठी रवायत बयान करते हैं कि रोज आना एक बुढ़िया कूड़ा करकट पूरे जिस्म पे फेंकती थी। साया तो जाने दीजिए, एक तरफ आपका ये अकीदा है कि साया नहीं रखा गया ताकि साये पे कोई पाँव ना रख सके, और दूसरी तरफ ये झूठी रवायत बयान करते हैं आप कि नबी के जिस्म मुबारक पर कूड़ा करकट एक बुढ़िया फेंकती थी। अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या कर रहे थे सहाबे कराम? रोज का मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने सफाई सुथराई की तालीम दी है, नजाफत की तालीम दी है, क्या ये तवक्कु की जा सकती है इमामुल अंबिया से कि एक मरतबा कहीं किसी ने कूड़ा फेंक दिया दोबारा उस राह से गुजरेंगे या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? और मदीना में, मदीने की बात है। तो इस तरह से जो है बहुत ही बेकार जो है वाकया, चाहे आप ये मदीने का वाकया बयान करें, चाहे मक्के का वाकया बयान करें, कहीं का भी, लेकिन ये साबित नहीं। और हैरत की बात है कि मैंने यूट्यूब पे देखा एक शख्स वीडियो कैमरा ले जाके पता नहीं किस गली में खड़ा होकर कहता है कि ये वही जगह है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। अस्तगफिरुल्लाह, बेसर पैर की बात। तो कैमरा लेके पहुंच गया एक गली में, पता नहीं किस गली में, और कहता है कि ये वो जगह है जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे और बुढ़िया कूड़ा करकट फेंकती। अल्लाह के बंदे, कुछ अकल इस्तेमाल करो। हाँ, या क्या ये मुमकिन है? आप सोचो, क्या ये मुमकिन है कि एक कोई बुढ़िया डेली जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करके करते बैठे कि रोज आना अल्लाह के ऐसे गुजरते हैं? और क्या मतलब, आप सोचे, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से रोजाना गुजरते थे? यानी कौन सा काम था कि रोजाना वहां से गुजर होता था? क्या काम था? और वो बुढ़िया सारा काम धंधा छोड़ के कूड़ा इकट्ठा करके बैठी रहती थी? हाँ, क्या अल्लाह के कसम कोई मतलब एक खास वक्त था उसी टाइम जाते थे अल्लाह के कसम, उससे आगे पहले पहले नहीं जाते, और ये बुढ़िया वहां बैठी रहती थी कूड़ा करकट लेके कि अभी आएंगे मैं ऊपर फेंकूंगी? अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह के कसम वहां गुजरते थे, और यानी रोज आना अगर आप गुजरते थे तो अल्लाह के कसम को पता चल जाता ना कोई कूड़ा करकट फेंकने वाला, तो अल्लाह के नबी सल्लम हट जाते, किनारे हो जाते, नहीं जाते, कोई मसला, कोई कोई बातचीत करते। लेकिन ये कि रोजाना कूड़ा करकट, वो भी घर का कूड़ा करकट, और सर पे गिरने जाने जा रहे, तो ये झूठी रवायत है। और ये इस तरह की रवायात पेश करके अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहते हैं, आशिके रसूल कहते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं होती कि जो नबी तहारत के सफाई सुथराई का हुक्म देखे गए, नजाफत का हुक्म देखे गए। हमारी हदीस की किताबें शुरू होती है किताबु तहारा से, जो नबी ये सिखा के गए। आप कहते हो कि रोजाना कूड़ा करकट फेंका जाता था नबी पर, यहां तौहीन नहीं होती है, और साए पर कहते हो कि किसी ने कदम रख दिया तो तौहीन हो जाएगी, हालांकि वो मुमकिन भी नहीं है। तो ये अजीबोगरीब ख्यालात हैं इनके, अजीबोगरीब एतकाद इनके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाह खैर, वस्सलाम अलैकुम।